क्या हमारी मईशत जो है वो इतनी हो गई कि इतनी सी किस्त के लिए जो है हम इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं? मईशत तो जिस जगह पहुंच गई है वो पहुंच गई है। क्या ये मुल्क का कोई ज्योग्राफिया चेंज करने में निकलता है? ज्योग्राफिया बदलने की बातें बहुत पहले हो चुकी थी, मशरक वस्ता के नए ज्योग्राफिया की भी हो चुकी हैं, इस खत्ते के ज्योग्राफिया की भी हो चुकी थी। मंजरनामा है जो एक आउटर पेरिफेरी में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। फिरौन को क्या हो गया था जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका रास्ता रोकने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ गए थे? ये अंदर का खौफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिछली दफ़ा तो हमने देखा था कश्मीर का, और कश्मीर के हवाले से जो चीज़ें हमारे कंसर्न जिस पे थे उन पे हमने गुफ्तगू की, और उसी वक्त हमने तय किया था कि आइंदा हमने पाकिस्तान पे देखना है। हमारे गिरदोपेश में एक हलचल सी नज़र आ रही है। ज्योग्राफिया बदलने की बातें बहुत पहले हो चुकी थी, मशरक वस्ता के नए ज्योग्राफिया की भी हो चुकी हैं, इस खत्ते के ज्योग्राफिया की भी हो चुकी थी। और ऐसे में जबकि हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए, बहुत चौकस होना चाहिए, यानी जो डिस्कशंस इस पे होनी चाहिए, तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो इग्नोर्ड हैं, यानी कश्मीर भी इग्नोर्ड और अब जिसकी तरफ हम इशारे कर रहे हैं ये भी सारे का सारा इग्नोर्ड। और जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं कि जो नज़र आ रहा है कि जी इदारे तकसीम हैं, अदलिया की तकसीम हमारे सामने आ गई है, बाकी हर जगह पर हमें तकसीम नज़र आ रही है, सोसाइटी मुनकसम है, और सुनने में आ रहा है कि जी सबसे डिसिप्लिन इदारा उसके अंदर भी चीफ साहब कहीं और हैं और बाकी लोग किसी और तरफ खींच रहे हैं, या क्या जो भी कुछ कहानी है, तो वहाँ के तकसीम की भी खबरें आ रही हैं। तो ये अलामत तो ऐसी हैं कि गोया हमें अपनी पड़ी हुई है अंदर की, जब हमें ज़्यादा इस्तेकाम की ज़रूरत थी, ज़्यादा यानी इन चैलेंजेस से निमटने के लिए यकजान होने की ज़रूरत थी, तो एक बड़ी बदतरीन किस्म की वो है। फिर ऊपर से दिवालिया होने की खबरें हैं, सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन ये कि बड़े तवातुर के साथ आ रही हैं, और बड़ी अजीब सी बातें हैं जिसमें ये भी है कि जबकि आईएमएफ के साथ उनकी सारी शराइत मान के आलमोस्ट चीज़ें डन हो गई हैं, तो उसके बाद चीफ साहब की तरफ से उसको तकाजा यानी अमेरिका से मुतालबा करना कि जी आप आईएमएफ को ज़ोर दें, तो वयुहिब्बुना युहमदु बिमा लम यफ़लू, वो आते हैं ना सूरह आल इमरान में कि वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ उन कामों की जाए जो उन्होंने किए नहीं है, तो गोया दूसरे के काम का क्रेडिट लेने ही की कोशिश है, या ये बताना है कि ये अमेरिका के बगैर जो है ना आईएमएफ ये नहीं करेगा, और अमेरिका कैसे करेगा, तो वो फिर वो क्या मांग रहा है हमसे? तो इस पर बाज़ लोग अब कह रहे हैं कि आप अपनी जेब में एटम बम रख कर तो अमरीका से जब फरमाइशी प्रोग्राम करेंगे तो फिर बदले में क्या हो सकता है, सोचें। तो यानी अब सिर्फ कश्मीरी का मसला नहीं है, बात उससे आगे भी चली गई है, यानी एटम बम की तरफ भी बढ़ गई है। तो ये सब क्या बाई डिज़ाइन है, मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है? तो या ये कि ये बस वैसे ही जैसे मुल्हिदीन का ख्याल है कि कायनात खुद ब खुद बन गई है, तो इसी तरह ये सारा जो है खेल भी खुद ब खुद ही चल रहा है और इसके पीछे कोई हदायतकार नहीं है। तो आज हम इसको ज़रा ज़ेर बहस लाते हैं ताकि जो भी हमारे सामईन हैं उन तक उनकी एजुकेशन हो सके कि जो एक ख़ास चीज़ें जो बयानियाँ बनाए जाते हैं वो तो अपनी तौर पे बनाए जाते हैं, लेकिन ये हकायक क्या होते हैं? आया वाकई पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, या ये कि जो वो फिर वैसे ही ये एक प्रोपेगेंडा है कुछ ख़ास मजमूद मकासद हासिल करने के लिए, ज्योग्राफिया बदलने के लिए? तो इस पे जो है ना ख़ास तौर पे सारे सबसे पहले इसी चीज़ की तरफ आते हैं ना कि हमारी जो माशी सूरत हाल है वो क्या इतनी दिगरगूँ हो चुकी हुई है कि हम बस सब जा रहे हैं दिवालियापन की तरफ और कोलैप्स होने की तरफ। सर, तो इसके साथ एक रिंग हम और भी क्रिएट कर सकते हैं ना। पिछली दफ़ा आपने बात की थी टू आई टू यू की और क्वाड की, और दूसरी तरफ हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स की भी बात की कि असल में जो दो सुपर पावर्स हैं, एक तो अमेरिका और एक इमर्जिंग चाइना, तो उसके भी ज़ाहिर है इफ़ेक्ट्स हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। और टू आई टू यू यानी कि ये जो मिडल ईस्ट पे जो ब्लॉक बना है अमेरिका लेड, जिसमें इसराइल है, इंडिया है, यूएई है और यूएस है, और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में इनसर्कलमेंट ऑफ चाइना को अगर आप रखते हुए तो वो क्वाड है जिसमें इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, तो कॉमन फैक्टर इंडिया है। तो मतलब ये भी तो एक मंजरनामा है जो एक आउटर पेरिफेरी में है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के। तो जाहिर है इस ये जो दो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही हैं अमेरिका चाइना की, उसके कोई ना कोई शेड्स यहाँ पे भी तो आ रहे हैं। तो मैं आपकी बात को अगर ट्रांसलेट करूँ तो यूँ हो सकता है
कि ये जो हमें तकसीम नज़र आ रही है कि भाई कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ पॉलिटिकली भी कुछ मतलब एक डिवीजन है, बल्कि पोलराइजेशन है, तो इसे हम यानी पाकिस्तान चाइना जो खींचातानी हो रही है, नहीं अमेरिका चाइना जो खींचातानी हो रही है, तो ये उसके साथ भी जोड़ सकते हैं इसे? सर रखा जा सकता है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स की बात की, हमें इकोनॉमिकली डिपेंडेंट असल में हैं या हमें बज़ाहिर तौर पे ये बीमारी हमारे ऊपर लादी गई है? हमारे तो इस पे जो असेसमेंट हमने पहले भी बात की कि ये हमें लादी गई है, जानबूझ के हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वरना हमारा अंडर करंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ सीपैक का एक प्रोजेक्ट जो था वो गेम चेंजर था, जो कि हमारे अपने ही जितने भी आपकी जो लीडरशिप है प्लेयर्स या प्लेयर्स थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जी ये तो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। तो फिर पिछले 4-5 साल में उस पूरे प्लान को कुछ हद तक आपने रोल बैक, सेट बैक, स्लो डाउन किया, तो ये किसके एम पे किया? तो दूसरी तरफ अगर हमें मीशत के लिहाज से बिल्कुल क्रिपल किया है, तो उसका फिर टिल्ट या डिपेंडेंसी किस तरफ गई है? तो हम IMF और अमेरिका की तरफ गए हैं। तो अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो ज़ाहिर है एक मूवमेंट नज़र आती है कि किसी तरह आवाम की जनरल राय को या खींच तान के पब्लिक को लेके जाया जाए कि जी हम अमेरिकन डिपेंडेंट हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि उसकी एक अपोजिशन भी है, और ज़ाहिर है उसमें चाइना के मफाद है। जो हमने कश्मीर वाला प्रोग्राम किया तो क्लियरली नज़र आता है कि चाइना तो हर लिहाज से इस बॉर्डर को डिफेंड करेगा जो कश्मीर वाला बॉर्डर है। सो पाकिस्तान इज़ रेलिवेंट, तो फिर ये शायद एक और ग्रेट गेम शुरू है पाकिस्तान के अंदर, और उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स में भी नज़र आता है। जी मेहता भाई जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे, और बल्कि कैवान भाई आपसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जो मैंने पढ़ा है कि जो हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी है IMF से, वो टोटल $1.7 बिलियन 1.2 बिलियन $1.2 बिलियन की, तो क्या हमारी मईशत जो है वो इतनी हो गई कि इतनी सी किस्त के लिए जो है हम इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं उससे? क्या लोकली हम अगर इसको चाहें तो हम अपनी इकोनॉमी से कुछ जनरेट कर सकते हैं इसको कंपनसेट करने के लिए? इतना रेलेवेंट पॉइंट है ना आपका। 2019 में मैंने असद भाई ने प्रोग्राम किया बायकॉट IMF का, उस वक्त हमें $6 बिलियन की किस्त मिलनी थी 3 साल में, और उस वक्त हमारा आर्ग्यूमेंट था कि दिस इज़ पीनट्स एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकोनॉमी। आपकी $300 बिलियन की इकोनॉमी है। दूसरा ये है कि आपने उस वक्त वो साकिब निसार साहब ने मलिक रियाज के ऊपर वो पेनल्टीज़ लगाई थी, तो $2.5 बिलियन का तो सिर्फ एक रियल इस्टेट की कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई, तो आपने उसकी मालियत थी $2.5 बिलियन की, जो वापस उन्हीं के अकाउंट में चली गई जो फिर घूम घाम के, लेकिन उस वक्त तो डैम फंड के लिए नहीं, ये अलग चीज़ है। अच्छा, वो जो चली गई थी ना, जो चली गई थी वो ये था कि जो यूके वाली चली गई थी, ठीक, और इसमें गई थी, इस मद में गई थी, असल में उन पे उन्होंने ये पैसे देने थे, वो उन पे पेंडिंग पड़े हुए थे, उधर से वो पैसे पकड़े गए और वो वापस आए, तो वो एक अलग चीज़ थी आपकी, ठीक है ना, वो तो आपके खाते में अलग आई थी, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने भी बीच में कमीशन खाया होगा उन्होंने वो इसमें डाल दिया। तो आप देखें कि सिर्फ एक प्लेयर आपका, उसके ऊपर जो आपने पेनल्टी लगाई है तो उसकी वर्थ $2.5 बिलियन की है। तो कहने का मकसद ये है कि आप पोटेंशियल देखें, जो आपका सवाल है 1.2 बिलियन तो कुछ नहीं, वो $6 बिलियन की भी कोई हैसियत नहीं थी। अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर हम अपने आप को खड़ा करना चाहें, तो $56 बिलियन का सीपैक था ना, और वो तो सिर्फ उसकी एक इनिशियल ट्रांच थी। अगर आप उसको एक्सपैंड करें तो जो देखा, मतलब जो इस पर दलील दी जा रही है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमें कितने पैसे मिलने हैं, ये है कि आपको IMF का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बगैर आपको ना चाइना देने के लिए तैयार है ना सऊदी, सो पता नहीं जो भी बात कही जा रही है या बयानियाँ बनाया जा रहा है, वो ये कि आपको ये ऑथेंटिसिकेशन चाहिए उससे। सर ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये डबल एज्ड सोर्ड है। वो जो सर्टिफिकेट मिल के आपको और डोनर एजेंसी से, ये तो उस वक्त भी बयानियाँ बनाया गया था कि जी IMF का ये प्रोग्राम में हम जाएंगे तो पीछे फ्लड गेट खुल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिन शरायत के ऊपर आप गए हैं, जो EFF प्रोग्राम आपने लिया है, ये IMF के अपने हिस्ट्री के मुताबिक भी सबसे कड़ा प्रोग्राम होता है किसी भी मुल्क के लिए। और इसमें जो स्टैंडर्ड आपका जो कहते हैं ना प्रोसीजर है, वो है कि ये IMF आके मईशत को श्रिंक करती है ताकि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काबू में आ जाए। तो इसका मंतकी अंजाम जो अंडरस्टूड है ना डिफ़ॉल्ट में, वो है कि आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, मुल्क की मईशत श्रिंक होगी, सतह गुरबत से आवाम ऊपर आएगी, लेकिन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो ठीक हो जाएंगी, तो फिर एक नए सिरे से। ये सारा नोन था, ये वो टाइम है जिस वक्त आपकी मईशत 5.4% के ऊपर ग्रो कर रही थी।
आप किसी भी तरह से किसी मजबूरी में नहीं थे कि आप अपनी मईशत को ना खड़ा कर सकते। हम खुद गए हैं इस प्रोग्राम में। अब यह है कि हाँ, इसके पीछे हमें और कर्जे मिले वो हमें पता है, $54 बिलियन के हमने कर्जे डिफरेंट ममालिक से या डोनर एजेंसी से, जिसमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, पेरिस क्लब भी है, एंड सो ऑन, या फिर दोस्त ममालिक हैं, उनसे हमने कर्जे उठाए। इसलिए तो आज हम कर्ज़ों के बोझ तले इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब कर्जे लेने हैं पुराने कर्जे चुकाने के लिए। तो 1.2 बिलियन की हैसियत अब ये रही है, मेहताबी जो आपका सवाल था, कि हमने अब इस साल के एंड तक $35 बिलियन हमें चाहिए अपनी मईशत को चलाने के लिए। तो अब उसमें वो $1.2 बिलियन की क्या हैसियत रह गई। तो अनफॉर्चुनेटली हमने खुद अपने अंदर गले में ये तौक पहना के तो अपने आप को बिल्कुल उनके पैरों पर ला के तो बिठा दिया। प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो परसेप्शन पाकिस्तान की बिल्ड की जा रही है वो ये कि IMF की ट्रांच अगर उनको दे भी दी जाएगी तो ये जो रीपेमेंट्स हैं ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के ऊपर ले गए और आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन है, क्योंकि आगे यूरोप और US के अंदर डिमांड साइड जो है वो काफ़ी वीक है। डिपेंडेंसी आपकी जो एक्सपोर्ट की है, जिससे आपको डॉलर्स अर्न करने हैं, वो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन है, कैंसलेशन आना शुरू हो गई है। बड़ी जो US के अंदर, यूरोप के अंदर चेन्स हैं, उसके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से क्राइसिस है। अब इस सारे के अंदर ये खासतौर पर आप देखते हैं मूडीज़ को देखते हैं, फिच को देखते हैं, इन्होंने भी रेटिंग इसलिए डाउन की है कि एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बिल्ड की जाए। फिर लास्ट वीक में हुआ कि ब्लूमबर्ग ने एक फेक रिपोर्ट की बेस के ऊपर पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड किया कि पाकिस्तान जो है ना वो नहीं कर पाएगा कंप्लाई इन इंस्टॉलमेंट्स को लोन की। तो ये जो इमेज बिल्डिंग की जा रही है बेसिकली हमारी जो सिफारतकारी है उसकी भी नाकामी का सबूत है, और दूसरा ये कि ऐसे एक्शंस नहीं लिए जा रहे जिससे रियल अपनी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंसी शुरू की जाए। इसलिए इन सारी फोर्सेस को मौका मिल रहा है कि वो अपने अपने फिर जो असल सूरत हाल तो ये है ना, देखें कि मतलब ये एक नया सेटअप आया था, इनके बारे में ये था कि जी वो पहली टीम नाकाम हो गई है तो ये आके तो कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की साख बेहतर होगी और चीज़ें आगे चलेंगी और ये अपने ताल्लुकात बुरेकार लाएंगे, यही था ना, ये सारा नैरेटिव ये था। अब देख ही रहे हैं कि मतलब इनकी टांगें खींची गई हैं, कहीं अदालत खींच रही है, कहीं कोई और जो भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिस तरह स्टेट रिएक्ट किया करती है या हुकूमतें रिएक्ट करती हैं वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। मतलब किसी ने लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन पैदा की है तो आखिर हमने तमाशे देखे हैं ना कि भाई रियासत कैसे निपटती है उससे, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसमें भी यानी कोई जिसे कहते हैं यकसुई रियासत की हमें नज़र नहीं आई, ना हुकूमत को हुकूमत करते नज़र आ रही है, गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। तो अब जब आपकी गवर्नेंस की सूरत लिए हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो, नक्शा पाकिस्तान का बना के एक डॉट बना के कहा जाए ये है पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत, ठीक है जी, यानी कहीं उसकी हुकूमत ही नहीं है, उसके साथ कौन बैठ के बातचीत करेगा, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि जिसके साथ जो है ना वो कहीं IMF के साथ बैठेगी। तो ये चीज़ अब ये समझा रही है कि भाई यहाँ पे तो बड़ी स्ट्रांग फोर्सेज हैं जो चाहती हैं, यानी प्रोपेगेंडा भी करती हैं कि पाकिस्तानी दिवालिया हो, और वो इकदाम भी करती हैं कि जो दिवालिया होने की तरफ लेके जा रही है, यानी वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाने दे रहे। ये कौन है सर? ये इंडियन मीडिया को अगर आप देखें ना तो उसमें मजाकन अब ये बात की जाती है कि ये देखो ये कितना बड़ा न्यूक्लियर जिन है जो भीख मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन तो वाकई है हमारे ऊपर कि एक तरफ तो हम क्लेम करते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया एक न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज नहीं होने देगी, तो आप इसको एक लीवरेज के तौर पे भी, लेकिन हमने फिर अपने आप को उस पोजीशन में ले आए हैं कि हम ना सिर्फ मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर हुए हैं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी आइसोलेट हुए हैं। आपने सर जो बात की कि ये जो IMF की प्री कंडीशन है ताकि बाकी भी कर्जा दें, तो वो जो बाकी नहीं दे रहे वो सिर्फ IMF की वजह से नहीं दे रहे, माजी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो आप पॉलिटिकली इतने आइसोलेट हो चुके हैं और शायद उनको ये खदशात हैं कि पिछली रिजीम भी आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल आइसोलेशन हमारी पिछली रिजीम के साथ जुड़ी हुई है। तो लोग हमारे ऊपर या आलमी दुनिया हमारे ऊपर एतबार नहीं कर रही क्योंकि वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्लैरिटी हमें मिल नहीं रही है। तो सर ये जो अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब मेरा दिमाग जो इधर जा रहा है कि एक मजबूत गवर्नमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो खान की नहीं थी और अब साबित हो रहा है कि वो PDM की भी नहीं है।
तो वो गुलदस्ता की आदत नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये मुझे एजुकेट किया जा रहा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है? और इसके लिए पाकिस्तान को, मतलब मेरे दिल में एक मेरा ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है, उसको मैं खेलता संवरता फैलता फूलता देखने के लिए मुल्क को दाव पे लगाए हुए हैं। ये बात हुई सर, पुराना एजेंडा है ना कि अगर किसी को आपने आइसोलेट करके तो डिसक्रेडिट करना है, तो सबसे पहले तो उसकी उसकी करेक्टर असैसिनेशन करो, उसकी सारे पोटेंशियल को डिसक्रेडिट करो, ताकि जनरल नरेटिव या जनरल ओपिनियन पब्लिक की ये बन जाए कि ये इस काबिल ही नहीं है कि हमें रूल कर सकें। तो शायद ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को उधर लाया जा रहा है कि पब्लिक ओपिनियन ये बन जाए कि इन तिलों में तेल ही नहीं, तो कोई और फिर मसीहा आए। सर आपको याद होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट में था भाई, 1990 में जब IGI बनी थी तो सारी जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसमें थी, इवन MQM तक उसमें 88 में बनी, तो वो उनकी गवर्नमेंट आई थी और जो इसके सारे असरात थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ IGI के ऊपर रखा था, और ख्वाब यही था कि जो स्टेटस को चैलेंज कर रही है जो पीपल्स पार्टी थी उस पर जमात वाहिद उसके खिलाफ जितनी जमातें थी उन सबको जो है वो एक कवर के अंदर ला के और उनको प्रमोट किया जाए। अच्छा आप देखें कि वो पॉलिसी इनकी कंटिन्यूड है, आज भी ये जो पंजाब के अंदर इलेक्शन के अंदर हुआ है तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एक फर्द वाहिद की शक्ल में एक IGI का नया वर्जन वो लेके आ गए कि पूरी कौम या पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो एक तरफ है, लेकिन ये एक एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो उसको बाय हुक और क्रुक एक पावर के साथ वहाँ पे इन्फोर्स करके दिखाती है, चाहे उससे कानून की धज्जियाँ बिखर जाएँ, आइन जो है वो बिल्कुल तहो बाला हो जाए। तो ये चीज़ कंटिन्यूड है, ये रिज़ल्ट कहाँ जा के निकलता है? ये मुल्क की मीशत तो जिस जगह पहुँच गई है वो पहुँच गई है, क्या ये मुल्क का कोई जोग्राफिया चेंज करने में निकलता है, इसको हमें देखना, या ये कि आगे ये फोर्सेज जो है ये क्या प्लान कर रही है? जी ज़रूर, मैं तो इन सब चीज़ों को इस तनाजर में देख रहा हूँ, हमें ना तस्वीर के एक दूसरे रुख पे भी क्योंकि बातचीत होती रहती है रेड और ब्लू दोनों जोन्स में, तो वो लोग कहते हैं ये पाकिस्तानियों की खुशफहमी है कि ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल लॉबी को अपने पर आकर कर लेते हैं, यू आर नथिंग फॉर द वर्ल्ड, आपकी कोई हैसियत नहीं और आपके साथ जिस टाइम जो चाहे वो कर सकते, तो आप उठ के अमेरिका जैसे हाथी के ऊपर सुइयां चला के बड़ा समझते हैं कि ये मतलब हाथी को चूंटी से कसरों कारी गया और जब चाहे उनके चला जाए। आपको आप जो कुछ भी हो अपने आप को समझते हैं, दुनिया आपको किसी और नज़र से देखती है और दुनिया इस नज़र से देखती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, इस नज़र से नहीं देखती कि इस वक्त आप क्या हो, इस नज़र से देखती है कि आपका पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल ये नहीं कि आप एटमी पावर हो या नहीं हो, असल में ये चीज़ है ना जो आपकी जज्बातियत है कि जिसके तहत कोई मुमताज़ कादरी उठ के किसी गवर्नर को ठोक देता है, तो उसके पास एक गन थी, उसने गवर्नर को नहीं बख्शा, बहुत मुश्किल काम है जो उसने किया है। कल ये काम वो भी कर सकता है जिसके पास एटमी बटन है, दुनिया में हालात वो बन जाएं जो उसके जो भी एक कंट्रोल है उससे ऊपर चले जाएं, वो जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो उसके पास कौन सा बटन है? ठीक है, अगर आपका मंसूबा ऐसा है कि आप मदीने पे कब्ज़ा करना चाहते हो, आपका मंसूबा ऐसा है कि आप जो मुसलमानों के मुकद्दसात हैं उनको पामाल करना चाहते हो, आप फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लिनजिंग करना चाहते हो, तो किसी का दिमाग ख़राब हो सकता है या नहीं हो सकता? कश्मीरियों की करना चाहते हो, ख़राब हो सकता है या नहीं हो सकता? इसमें ये जो आपका पोटेंशियल है ये ख़तरा है ना। अच्छा, दुनिया को नहीं है आपसे कुछ भी, तो ये बिन गोरियान ने 67 में क्यों कहा था कि हमें अरबों से कोई ख़तरा नहीं, अगर है कोई ख़तरा तो पाकिस्तान से? तो यानी जो ईवल फोर्सेस होती हैं वो ताकत देख के नहीं फैसला करती अपने लिए ख़तरे का तयन करती, वो अपनी कमज़ोरी देखती हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं, हमारी सॉफ्ट बेली कौन सी है, कहाँ से हमें अटैक आ सकता है। फिरौन को क्या हो गया था जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका रास्ता रोकने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ गए थे? ये अंदर का खौफ होता है, यानी ये असल में जो आपको ये सारे दूर दूर तक प्री एम्प्टिव मेजर्स लेने के लिए, अगर आप ख़तरनाक नहीं हो तो मतलब पाकिस्तान से तालिबान ज़्यादा ताकतवर थे नहीं। तो क्या प्री एम्प्टिव डॉक्ट्राइन बनी थी, क्यों बनी थी?
होता ये है कि देखें आपको एक चीज़ एक आपको मोहतात बनाती है, कॉन्शियस बनाती है, वो ये होती है मेरे वजूद को ख़तरा है, इससे आप सोचते हो। आपको अगर ये इत्मीनान दिला दिया जाए कि आपको कोई ख़तरा नहीं है तो आप सोचना छोड़ दोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। हर ठग आपके साथ यही काम करता है, ठीक है ना। जिसने आपसे इवन पैसे ईंठने हैं ना, उसने भी आपको सामने यही पोज करना है, मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं क्यों आपके साथ कोई ऐसा करूँगा, ठीक है। जिस दिन आप उस पर मुतमइन हो गए कि ये मेरी खाला का बेटा है ना, तो उस दिन फिर वो आपकी जेब से पैसे निकाल लेगा। तो जिसने भी आपके साथ हाथ करना है उसने अपना हुस्न ज़न कायम कराना है ना आपको, और उसने आपको हुस्न ज़न की तलकीन करनी है। तो ये वो ये यानी ये डिसेप्शन है एक बहुत बड़ी। और शैतान ने भी आके आदम अलैहिस्सलाम के सामने यही बात रखी थी कि मैं आपका बहुत खैर ख्वाह हूँ, फदल्लाहुमा बेगुरूर, उनके सामने उसने दलाइल पेश किए थे जो धोखे के, तो ये वो दलील है साहब। और कुरान मजीद ने इसके बरक्स बताया कि फला यामन व मकरुल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह का जो तदबीर होती है ना उससे सिर्फ खसारा पाने वाले लोग ही न चिंत रहते हैं, न डर रहते हैं। तो हमें देखना चाहिए अगर हम हक पर हैं तो फिर बेफिक्र रहें कि अल्लाह हमारे साथ हैं, और अगर हम सूद खो रहे हैं जैसे कि हम हैं, हम जालिम हैं जैसे कि हम हैं, हम वादा खिलाफ हैं जैसे कि हमने किया है अल्लाह से, तो फिर हमें ख़तरा तो इधर से भी देखना चाहिए ना, कि ये भी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तो हमारे ऊपर चढ़ाई होगी ना। इस खत्ते में हमेशा ये जो हालात अभी पाकिस्तान पे ये 20वीं दफ़ा गुजर रहे हैं, ये बात इधर लचक उधर लचक, ये डर वो डर, ये हमेशा से चलता हुआ रहा है। मैं इस पर ये समझता हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि यतीम कौम थी और उसका सारा तसलसल जोड़ते हैं इस पूरे आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, इसमें इस बेचारी अवाम का कभी कोई कसूर नहीं था। यानी बाहर नुमाइंदे आए, ऊपर से टेक्नोक्रेट्स आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने ये सारा कुछ किया, आज भी उन्हीं का मामला है, आज भी वही फंसे हुए हैं, आज भी इंटरनेशनल लॉबी के साथ जो खिलवाड़ जो उनके साथ वो कर रहा है। इसको यूं कहना है, इंतजाम तो ये था ना कि ये कौम है, ये खतरनाक कौम है, इसके ऊपर ये हमारे मुतय्यन करते वायसरायज हैं, ठीक है ना। अयूब खान पहला वायसराय था, फिर टीमें मुसल्लत होती रही हैं जिनको आप कह रहे हैं ना कि ये तो यानी ये कौम अगर बाशऊर हो गई और इन वायसरायज को पहचान गई फिर तो नक्शा ही और होगा, फिर खतरा है ना, फिर तो बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो इकोनॉमिक हिटमैन वाली किताब में खोल, ठीक है। ये है कि जब वो कहते हैं, जब आपने कहा ना वो एटम बम वाली वो जो बात आते हैं, तो उधर से एक जवाब हमेशा दुनिया को दिया गया, हमने नहीं दिया, अमेरिका ने दिया। क्या जवाब? पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किधर है? महफूजात हूँ। ये महफूजात कौन से? ये वो वायसराय हैं, ठीक है ना। तो अब जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, इसको बाकी आप लोग की राय भी इसमें चाहिए कि क्या अब इस खत्ते में अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तनाव चल रहा है, जो अभी सामने आ रहा है, यानी इनकी ये जो टक्कर सींग फंसे हुए थे वो उसके अब चीदा चीदा धुआं दुनिया से उठना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं हम इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे होते जिसमें अभी कश्मीर बहुत मतनाज़ा बना हुआ है इस टाइम, ठीक है। भारत खत्ते में ऊपर आ रहा है जो कभी भी इतने उससे नहीं आया, हमेशा ये शेल्टर के नीचे आया है, इसलिए पहले किसी पोलराइजेशन का हिस्सा भी नहीं बना, चलाक मुल्क था। तो अब जो है उसकी खुल के हिमायत करना और ये करना, तो दूसरी तरफ चाइना में बड़ा मतलब हम उससे दामन छुड़ा रहे हैं, वो पकड़ रहा है, तो क्या अब हम चाइना की जरूरत वैसी बन गए हैं जैसे कि 9/11 में अमरीका की जरूरत बन गए हैं? मैं इस तरफ आना समझ आ रहा था यार, इसको अगर आप इसको इस तरफ भी देख लेना कि चाइना ने मतलब ये पॉलिसी स्टेटमेंट है उनकी कि पाकिस्तान की हमारे लिए वही अहमियत है जो अमेरिका की के लिए इसराइल की है। मतलब ये मेरा एक जुमला जो है ना चाइना की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आपको इन्हें पाकिस्तान के अलावा से जो है इसके अंदर पूरा समंदर इस कूजे में बंद है। अब इसको ज़रा समझ लें कि चक्कर क्या है। चक्कर ये है ना, देखें अमेरिका आज भी सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमिक पावर अमेरिका ही है, चाइना नहीं है, ये इमर्जिंग पावर है, ठीक है। ना अमेरिका लड़ना चाहता है ना चाइना लड़ना चाहता है, लेकिन तारीख का सबक ये है कि जब एक ताजर जिसकी मोनोपोली होती है उसकी जगह जब दूसरा लेने की कोशिश करता है तो लड़ाई ज़रूर होती है। अगरचे कि दोनों लड़ना नहीं चाहते लेकिन वो चूंकि अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये हमेशा यानी लड़ाई पे ही मतलब फिर आपको अपने ताकत भी दिखाना बाजू भी दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको कारोबारी जो है ना वो बालादस्ती हासिल होती है पहले से बालादस्त के मुकाबले में, वैसे वो नहीं छोड़ता। और यही वो चीज़ होती है कि जो उसको असला बनाने पे मजबूर करती है कि भाई ऐसी सूरत हुई तो मेरे पास ये टेक्नोलॉजी और ये सारा इसलिए बनाया जाता है ना।
तो अब ये है कि इन दोनों के पास तो इतनी मतलब वेपन्स हैं और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं कि वो तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तो चीज़ें कहाँ बेचेंगे? तो वो नहीं चाहते कि लड़ें, वो जाएंगे प्रॉक्सीज की तरफ, जिसका आगाज़ में अभी हल्की सी झलक आपने यूक्रेन रूस वाली चीज़ देखी है, ठीक है। अब रूस की भी तो इकोनॉमी ऐसी नहीं थी कि वो ये वार इतनी लंबी लड़ सके, तो कहीं से तो कोई उसे मतलब सपोर्ट मिल रही होगी ना, तो यूरोप तो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यही चीज़ आप देखें कि मतलब बिल्ड हो रही है ना, इधर ईरान की तरफ प्यूटन जा रहे हैं और उधर जो है ना वो बाइडन आ रहे हैं सऊदीया की तरफ, तो ये पहले से कॉन्फ्लिक्ट तो मौजूद है ना अजम और अरब का, तो उसमें अपने अपने अब खिलाड़ी संभाले जा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में इस तरह की प्रॉक्सीज होंगी। तो अगर पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में चाइना के लिए वो है जो मशरक़ वस्ता में अमेरिका के लिए इसराइल की है, तो अब इस खित्ते में अमेरिका ने अपने लिए 90s में कोशिश की थी कि वो पैर जमाए आके कश्मीर में, वो बात हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं, वो नाकाम हो गई। तो फिर उसने कहाँ जमाए? अफगानिस्तान में, वहाँ से उखाड़ दिए गए। अब इस खित्ते को देखो ना, अब कहाँ जमाएगा? ईरान में क्या बचा उसके पास? इंडिया, इंडिया उसके लिए वैसे ही लास्ट ऑप्शन है खित्ते में, जैसे मशरक़ वस्ता में एक वक्त में रूस के लिए लास्ट ऑप्शन शाम रह गया था, और उसने फिर सर धड़ की बाजी लगाई है बशार अल असद के पीछे, और रूस अगर ना लगाता तो बशार अल असद की हुकूमत उलट देनी थी उन्होंने, दाइश वगैरह ने, ये वो नहीं, ये तो रूस था जिसने जाके फिर वहाँ पर वो किया है। तो इसी तरह समझ लीजिए कि अमरीका के लिए फिर खित्ते में एक ही तालिबान ने अफगानिस्तान से भगा दिया, पाकिस्तान की अब उसे ज़रूरत नहीं रही क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत इंडिया बन गया है। अब इसमें ये समझ लें कि अगर चाइना बीच में ना आता या ना होता, या चाइना का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ यूँ ना वाबस्ता होता जैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया है, तो अमेरिका तो कभी का ग्रीन सिग्नल दे चुका होता है इंडिया को, तो हम किधर से बचते? तो ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के चाइना की सूरत पैदा की है, ठीक है ना। अमेरिका के साथ अब हमारा कोई मफाद नहीं रह गया, क्यों? अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं रही है। मोटी बात ये, हमारे लोगों का मफाद रह सकता है कि उनके बच्चे वहाँ पे, उनकी कंपनीज वहाँ पे, पिज़्ज़ा शॉप्स वहाँ पे, ये हो सकता है, लेकिन ये कि या उन्होंने अपने सारे सरमाए को उधर मुंतकिल करके रखा हुआ, ये सब हो सकता है। पाकिस्तान एज ए कंट्री, उसका कोई मफाद अमरीका के साथ नहीं रहा है, ना अमरीका का पाकिस्तान के साथ रहा है, उसके सारे मफाद अब इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने पैदा की है चाइना की, और वो अगर आप अवेल नहीं करते और इस दोगलेपन में रहते हैं, तो ये तो माँ को छोड़ के डाइन की तरफ जाने वाली बात होगी ना। अच्छा खाली साहब, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मुझे गुफ्तगू से याद आया कि बहुत मतलब 3-4 साल पहले गलबन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इजिप्ट के हवाले से, मिस्र के हवाले से एनालिसिस किया गया था कि मिस्र का पोटेंशल क्या है, जो उसकी दरिया नील की वादियों में फूड बास्केट जो है ना, ये पूरे मिडल ईस्ट और इवन फिर जो शुमाली अफ्रीका है उसका फूड बास्केट रहा है, और आज भी इंडस्ट्री भी, उसकी आबादी भी, हर लिहाज से उसे, उन्होंने कहा कि जो उसकी मईशत है उसको इसलिए वहाँ पर डाउन रखा जाता है ताकि खित्ते में इसराइल के मफाद का तहफ्फुज़ हो सके। अगर जो मिस्र अपने पाँव पर खड़ा हो जाए जिस वक्त भी, तो फिर इसराइल के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, और इसीलिए वहाँ पे मतलब जमाल अब्दुल नासिर का जो दौर आया उसके अंदर वो सारी जो उसका सोशल फैब्रिक था उसको वो बिखर गया, और उसके बाद से वहाँ पे अनवारो सादात से के बाद से जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सारी की सारी वो हैं जो अमेरिकन जो है वो स्लेव्स, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि स्लेव्स हैं वहाँ पे, अब सीसी है, और ये दुनिया में यूएस एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट हमेशा से इजिप्ट रहा है वहाँ पे, उसमें आईएमएफ जो है प्रोग्राम हमेशा मईशत जो है ना, रजा बाकर साहब भी वहाँ से होके पाकिस्तान पहुँचे थे। तो इस उनका सूरत ये होती है कि हर दफ़ा जो है उसे अपने जो है ना अगली किस्त लेने के लिए या अपनी इमदाद को जो है ना इन्हेंस करवाने के लिए थ्रू इसराइल जो है ना वो मुज़ाकरात करने पड़ते हैं,
और इसराइल का ताबे फरमान बन के वो रहता है, तो वो आगे चीज़ें चलती हैं उसकी, उसकी वजह से ही इसराइल को एडवांटेज हासिल है वहाँ गज़ा के ऊपर भी और फ़लस्तीन के ऊपर भी जो काम करता है। अगर थोड़ा सा भी उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो जाए, वहाँ पर एक लोगों की रिप्रेजेंटेशन वाली हुकूमत आ जाए, तो इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाए खित्ते के अंदर रहना। तो यहाँ पे आज जो हमारी सूरत हाल आई है, अगर हम इस तनाजुर में इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कवान भाई जो है ना, इसको अगर देखें, तो क्या हम भी, हमें भी इसी तरह से नहीं किया जा रहा? सर ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम खालिद साहब की भी बात को जोड़ लें तो देखें, ये तो बिल्कुल है कि इंडिया को उभार रहे हैं एज द कॉबॉय इस रीजन का, और उसको उठा रहे हैं क्योंकि वो हमने जो 2i2u और क्वाड की, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो इंडिया, यानी इंडिया को वो लीडिंग प्लेयर का तो रोल दे चुके हुए हैं, और जाहिर है उसके पीछे फिर उसकी मईशत को भी उठाना है, उसकी मिलिट्री पावर को, जो राफेल जहाज़ अभी मिले हैं एंड सो ऑन, इजरायली सपोर्ट मिली है, इजरायली ड्रोन्स मिले हैं, इवन कारगिल वाले में भी मेनली हमें पता है कि इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने आके उसको सपोर्ट किया, स्टेटस तो वो मौजूद है। उसके काउंटर बैलेंस में यस, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, डी न्यूक्लियराइज करना है, लेकिन वो जो बात यह है कि वो एक अल्लाह के भी फैसले चल रहे हैं। ये जो चाइना वाला फैक्टर है, ये जो है ये काउंटर बैलेंस करता है उस सारे सिनारियो को, उसमें अब सीपैक भी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या उसमें फिर जो चाइना का सपोर्ट है ऑन द मिलिट्री साइड, हमारी मिलिट्री इस वक्त आप कह लें कि 80% या 90% शिफ्ट हो चुकी हुई है फ्रॉम यूरोपियन यूएस टेक्नोलॉजी टू चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, उसमें सारे हैं, आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। द मोस्ट रिसेंट इज़ कि जब इंडिया को राफेल मिले तो इधर चाइना ने आपको J-10 दे दी। सो वो जो चाइना फैक्टर है ना, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काउंटर बैलेंस है जो खालिद साहब की बात है, और मेरे ख्याल में यही हमारा वे फॉरवर्ड भी है कि हमें पहचानना चाहिए कि वो जो नेचुरल काउंटर बैलेंस है वो क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और यही शायद इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा कैवान भी, जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अगर थोड़ा सा उस पर वापस आ जाएं कि क्या जो चाइना है उसकी भी ये कंडीशन है कि जब IMF हमें जो है वो नेक्स्ट इसकी किस्त रिलीज़ करेगा, उसके बाद ही चाइना जो है ना इकोनॉमिक ग्रांट या इकोनॉमिक लोन जो है ना हमें देगा? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए देखें कि अभी कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये हाँ ऐसे हकीकत नहीं है, उसकी वजह ये है कि साबित हो गया, जब आप अभी पिछली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अभी क्राइसिस में थे, महीना पहले की बात है, तो फौरन जो $2.3 बिलियन वो किसने दिए, वो चाइना ने दिए, भले कड़ी शराइत पे दिए, ज़रा नखरे दिखा के दिए, लेकिन उसके पीछे भी तो देखें हमारा बिहेवियर क्या, यही तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पहचानना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है और हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक साइड है जो आपको अमरीका की तरफ पुश कर रही है जो ग़ुलामी है, और एक साइड वो है जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन है, लेकिन उस लाइफ लाइन के साथ पिछले हमने 4-5 साल में ज़्यादती की है, वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स को रोल बैक किया है, उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ओन करने की जगह हमने उनको धुतकारा है और हमने अपना रुख अमेरिका की तरफ रखा है। तो वो जो कहते हैं ना आलमी साजिश हुई, तो आलमी साजिश जो है वो अमरीका ने पाकिस्तान में नहीं की, बल्कि हम उस अमरीकी साजिश का पूरी तरह पार्ट हैं, अब हमें उससे निकलने की ज़रूरत है।